लिख जाए उसमें, मैक्सिमम करें ना 11 के बीच में, 48 पे तक जाएगा। ओके सेम 48 मिलियम पे ना लीकेज, और मैक्सिमम वोल्टेज जो है वो 12.1 केवी, क्योंकि किट हमारा से मैक्सिमम 48 मिलियम पर मेजर 50 मिलियम पर मेजर कर पा रहा है। अदरवाइज हमारा जो वो रहता है थर्मल सप्लाई वोल्टेज सिस्टम वोल्टेज इंटू 2+1 के रहता है, रेशियो 2E+1, यस 2E+1 का रहता है। पाँच मिनट देखें, पाँच मिनट देखेंगे ना, 5 मिनट्स अप्लाइड टाइम्स ना, 5 मिनट्स इनपुट सप्लाई किट किट ठीक है, मैक्सिमम अप्लाई वोल्टेज 12 kV और लीकेज करें 48.5 लीकेज करें। बेसिकली हम चेक करते हैं कि दूसरे फेज के बीच और याद के बीच में उसका लीकेज करंट कितना हो रहा है। अगर हम 11 kV का ये बोर्ड है, ठीक है 11 kV का ये बोर्ड है, इसमें हम हॉट फ्रॉस चेक कर रहे हैं, आर फेज में हमने चेक कर लिया है, आर फेज वाई फेज का दोनों का कॉमन है, ठीक है। वैसे